पिछले 24 घंटे में दिल्ली एनसीआर में दो ऐसी वारदात हुई हैं जिससे महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं। बदमाशों ने एक महिला को हरियाणा के सोहना से किडनैप किया। बदमाश उसे घंटों गाड़ी में घुमाते रहे और उसके बाद गैंगरेप किया और फिर बदमाशों ने पीड़ित को यूपी के ग्रेटर नोएडा में फेंक दिया। पुलिस अभी इस वारदात को सुलझा भी नहीं पाती है कि इससे पहले ही गाजियाबाद से दूसरी वारदात आती है। यहाँ एक महिला से चलती कार में रेप हुआ है। सवाल यह है कि आखिर दिल्ली एनसीआर में महिलाओं की सुरक्षा के दावों का क्या हुआ? तो ग्रेटर नोएडा में गैंगरेप के बाद महिला को सड़क पर फेंके जाने का मामला अभी सुलझा भी नहीं कि गाजियाबाद के मसूरी से सनसनीखेज खबर आ रही है। मसूरी में एक महिला से चलती कार में रेप का आरोप लगा है। मसूरी में महिला घर से बाहर खड़ी थी, तभी दबंग पिंटू यादव ने जबरन उसे गाड़ी में खींच लिया। आरोप यह है कि दबंग ने गाड़ी में महिला से रेप किया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी महिला को जंगल में फेंक कर फरार हो गया। पुलिस पीड़ित का मेडिकल करा रही है। वारदात के बाद इलाके में सनसनी है। यादराम भारती हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ चुके हैं। यादराम भारती, फिलहाल क्या कार्रवाई करी जा रही पुलिस की तरफ से? जी देखिए दीपाली, मसूरी इलाके की घटना है जहां पर रहने वाली एक महिला को वहीं के ही दबंग जो है पिंटू यादव ने उसे अपनी गाड़ी में खींचा और उसके बाद लगातार कई घंटों तक वो उसके साथ रेप करता रहा और इलाके में ही बेखौफ घूमता रहा और उसके बाद उसे एक जंगल में फेंक दिया। जैसे तैसे महिला थाने पहुंची, FIR दर्ज कराई। फिलहाल पुलिस के हाथ इस मामले में खाली है। आरोपी को अभी तक पुलिस पकड़ नहीं पाई है क्योंकि जो दबंग है वहां का जो प्रधान है ये उसका चचेरा भाई बताया जा रहा है, जिसकी वजह से पुलिस इस मामले में ढिलाई बरत रही है। फिलहाल अगर कहा जाए तो पुलिस के हाथ इस मामले में अभी तक खाली है। जी शुक्रिया यादराम भारतीय जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। तो पुलिस के हाथ इस मामले में भी अभी तक खाली ही है। अब हम आपको यूपी पुलिस की लापरवाही की तस्वीरें दिखाते हैं। ग्रेटर नोएडा में गैंगरेप के बाद महिला को सड़क पर फेंके जाने की ये सनसनीखेज वारदात के बाद भी पुलिस वाले सोते नजर आए। कासना थाने में PCR पर तैनात पुलिस कांस्टेबल ड्यूटी के दौरान सोते हुए नजर आए। तस्वीरें ये देखिए, ये PCR वैन है जिन्हें गश्त पर लगाया जाता है, लेकिन ये PCR वैन में कैसे यहां पर कांस्टेबल सोते हुए नजर आ रहे हैं इसका अंदाजा लगाया जा सकता है साफ तौर से कि कितनी लापरवाह पुलिस है। यहां पर अल्फा कमर्शियल बेल्ट में पुलिस वाले सोते हुए नजर आए हैं। और शिल्पा पुंडी लगातार इस खबर पर हमें अपडेट दे रहे हैं। शिल्पा के पास रुक करते हैं। शिल्पा, देखा हमने कि किस तरीके से PCR वैन खड़ी है, लेकिन यहां पर जो पुलिस वाले हैं वो सोते हुए नजर आ रहे हैं। लापरवाही का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है। बिल्कुल दीपाली, और इससे साफ पता लगता है कि कितने एक्टिव आखिर गौतम बुद्ध नगर पुलिस है। PCR नंबर 62 अल्फा कमर्शियल बेल्ट जिसमें 7:30 बजे तक भी खर्राटे मार के कह सकते हैं पुलिस वाले सो रहे थे और वहां पर अपराधी बेखौफ होकर घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। कई बार यहां पर SSP से बातचीत हो चुकी है कि ग्रेटर नोएडा में जिस तरह से लूटपाट और रेप जैसी घटनाएं बढ़ रही हैं कि कितनी एक्टिव आखिर पुलिस है, तो ऑफ कैमरा जरूर कहीं ना कहीं जो पुलिस महकमा है इस बात कह देता है कि पुलिस बल की जरूर कमी है, लेकिन जो पुलिस तैनात है वो उसकी क्या कितने एक्टिव है उसका वो तस्वीरों से आपने अंदाजा लगा दिया होगा कि इतनी बड़ी वारदात हो जाती है उसमें पुलिस एक तो लेट पहुंचती है और जो PCR मौजूद है उसमें पुलिस वाले हैं वो सो रहे हैं। और तभी बात है कि जो बदमाश है उनके हौसले बुलंद हो रहे हैं, उस तरह की घटनाओं को वो अंजाम दे रहे हैं। बिल्कुल शिल्पा, शुक्रिया ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो यहाँ पर अब सवाल यही उठता है कि जो PCR वैन में यहाँ पर पुलिस वाले सोते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे में चाहे वो PCR वैन हो चाहे हम बाकी, क्योंकि ये पूरा मामला हरियाणा से शुरू हुआ, वहां से ये वारदात को अंजाम देते हुए जो बदमाश थे वो ग्रेटर नोएडा पहुंच गए, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहां पर कहीं भी बैरिकेडिंग नहीं थी, कहीं भी कोई चेकिंग नहीं हुई और बदमाशों के हौसले इसी वजह से बुलंद हैं। तो ग्रेटर नोएडा में गैंगरेप की वारदात के बाद महिला को सड़क पर फेंके जाने के मामले में पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। चलती कार में गैंगरेप के बाद बदमाश ग्रेटर नोएडा में एक महिला को फेंक कर फरार हो गए। 3 बदमाशों ने सोहना से 30 साल की महिला को हरियाणा के सोहना से अगवा किया और उसके बाद चलती कार में महिला के साथ गैंगरेप किया और ग्रेटर नोएडा पहुंचे। यहां पर कासना इलाके में पीड़ित को फेंक कर फरार हो गए। फिलहाल पीड़ित हॉस्पिटल में एडमिट है, उसकी हालत गंभीर है।
चार बजे के आसपास कंट्रोल रूम के माध्यम से ये सूचना मिली। कहना यह है कि उसको कुछ लड़कों ने रेप करके यहाँ पर डाला है। इमिडिएटली जो हम लोगों की टीम्स थी वो मौके पर पहुंची, जो वरिष्ठ अधिकारी थे वो लोग भी सब मौके पर पहुंचे और वहीं नज़दीक में यथार्थ हॉस्पिटल में उसको एडमिट कराया गया। फर्स्ट एड उसको देने के बाद उसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उसका मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए उसको भेजा गया। हम लोगों ने इमिडिएटली एक टीम गुड़गांव के लिए रवाना कर दी है और गुड़गांव पुलिस भी के साथ भी हम लोग टच में हैं, वहां के सीनियर ऑफिसर्स के टच में हैं। सीसीटीवी फुटेज पे हम लोग काम कर रहे हैं, कुछ और भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें मिली हैं और इसके जो 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 इसके परिजन हैं उन लोगों से भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं उनके संपर्क में आने। सुबह करीब साढ़े 5:40 के करीब एक फीमेल को अस्पताल लाया गया, पीड़ित के अनुसार उसका यहाँ पे रेप किया गया था, तो वो अस्पताल के लिए प्राथमिक उपचार के लिए हमारे पास लाया गया। हमने प्राथमिक उपचार कर दिया, उसके बाद सब पुलिस और सब महकमा आ गया था। उसके बाद वो लोग उसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले गए जहाँ उसका फाइनल एग्जामिनेशन और जो भी रेप की पुष्टि होगी वो वहां पे होगी। हम थोड़ी बहुत एबरेशंस और चोट थी, वो सब माइनर चोटें थी, तो उसका ही उपचार बेसिक जो था वो हमने कर दिया अभी बेसिक।